हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आई एम ब्रजेश मिश्रा, पीजीटी बायोलॉजी, और वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा। तो बच्चों, थोड़ा सा नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पहले हमने स्टार्ट किया था, अभी जो लास्ट वीडियो था हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के ऊपर, तो इसका आज पार्ट टू होगा। तो इसको शुरू करने से पहले बस मैं दो तीन चीज़ें कहूँगा कि आपको अगर वीडियो सही लगता है तो आप थोड़ा उसे लाइक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उसमें कुछ कॉस्ट लगेगा आपका। सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने किसी भी जानकार को आप उसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं कि आज नेक्स्ट टॉपिक में है क्या, वो क्या चीज़ है। उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जो आरटीटी के टूल्स हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि कुछ इसके हथियार होते हैं, हथियार इन द सेंस जैसे कि बिना इस टूल्स के ये आरटीटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं पांच फाउंडर हैं, वो कैसे कैसे जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, वेक्टर एंड होस्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेज एंजाइम, वेक्टर और वेक्टर्स एंड होस्ट, इनकी जरूरत पड़ेगी। इनके बिना ही आरटीटी पॉसिबल नहीं है। तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जैसे पॉलीमरेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम के बारे में मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, पॉलीमरेज आपका चैप्टर नंबर 6 में भी आएगा, वहाँ पर ही आपका डीएनए पॉलीमरेज के उसमें फॉर्म में आएगा। तो पॉलीमरेज का काम क्या होता है, पॉलीमराइजेशन करना, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके उसमें उसके सीक्वेंस को बढ़ाना। लाइगेज का काम क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जब कटिंग होती है ना, तो जब कटिंग हो रही है तो कटिंग को फिर जोड़ने का काम होता है। जैसे आपने डीएनए को कट करा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करके, आपने कट किया तो फिर से जोड़ेगा वो, तो लाइगेज एंजाइम जोड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं वेक्टर्स, आपके उस जो फॉरेन डीएनए था, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि फॉरेन डीएनए को कैरी कौन करेगा, लेके कौन जाएगा इधर से उधर, वो भी कर सकता हूँ, कौन करता है, वेक्टर। और होस्ट कौन से होते हैं, होस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसमें कि वो जो भी आप लेके जा रहे हो डीएनए को, उसमें मल्टीप्लीकेशन करवाना है ना, तो किस में आप मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हो उसका नाम होगा होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आप थोड़ा एनसीईआरटी को अगर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उसमें है, वेक्टर्स का जिक्र है और होस्ट ऑर्गेनिज्म का, बिकॉज ये पॉलीमरेज एंजाइम लाइगेज एंजाइम समझाने के लिए था। और बाकी अभी हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर दोज टाइप ऑफ एंजाइम्स दैट इज यूज्ड फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ एनी वायरस और एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे हम बैक्टीरियोफेज के केस की बात करें, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज का मतलब फेज जहां पर भी वर्ड लग गया वो वायरस के उसमें लगाया जाता है, और बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरिया ईटिंग हो गए। तो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकने के लिए, उनकी उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये एंजाइम यूज होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। मैं अभी इसको डिटेल में वन बाय वन उनको लिखवाऊंगा अभी, पर ये इनका सबसे बड़ा जो क्लास जिससे एंजाइम्स की क्लास है इससे रिलेटेड कर रहे हैं ये लोग, उसका नाम है न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। अब इसका नाम कैसे पड़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम इसलिए पड़ा कि ये उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, लेकिन उसके लिए दो तरीके ये यूज़ करते हैं। दो तरीके कौन कौन से यूज़ करते हैं, कि सबसे पहले ये आप इसे इस तरह से समझ लें जैसे कि आपको कोई भी चीज़ को पहले आपको शूट आउट करना है, कुछ करना है उसको,
तो पहले आप उसे आइडेंटिफाई करोगे नहीं करोगे, तो आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप उस पर मार्किंग करवाते हो। क्या करवाते हो? मार्किंग। और मार्किंग कैसे होती है? मिथाइल ग्रुप ऐड करके। इनका ये प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, दो तरह के एंजाइम यूज होंगे। एक एंजाइम क्या करेगा, जाके वहाँ पर पूरे के पूरे डीएनए स्ट्रैंड को रीड करेगा पहले तो, ठीक है, कहाँ पर कट करना है। उनका एक सीक्वेंस होता है, पिछले वीडियो में भी यही था, इसमें भी यही है थोड़ा सा, लेकिन इसमें मैं थोड़ा डीप में जाऊँगा अभी, ठीक है ना। तो जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसे हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो वहाँ पर वो जाके वो रीड करेगा, और रीड करने के बाद वहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच कर देगा, दूसरा आएगा उसे कट कर देगा। क्लियर हो गया? तो ये इनका काम होता है। तो थोड़ा सा लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। दीज टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर बिलोंग्स टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज एंजाइम। बहुत से बच्चों का ये टेंशन रहता है कि लिखे ना लिखे नोट्स, तो मैं भी लिख पा रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लेना एज इट इज, ये आपके लिए सफिशियंट। और एनसीईआरटी हाँ जरूर पढ़नी है। एनसीईआरटी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक समराइज वे में बता रहा हूँ। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा आपको देखना एकदम बटर की तरह समझ में आएगा। इसीलिए ये समझ लीजिए, इसे नोट डाउन कर लेना, और ना समझ में आए तो एक बार दो बार तीन बार जितनी बार भी आप इसे वीडियो को, अब तो आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप जितना चाहें उतनी बार उसे आप रिवाइंड कर करके देख सकते हैं। नहीं तो कई बार की इसका ऑनलाइन क्लासेस का बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, आप समझने की कोशिश करें। आप ऑफलाइन क्लास में होते हैं, सामने टीचर पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कई बार हमारा मूड नहीं होता, कुछ हो जाता है, कभी तबीयत खराब है, कभी स्किप हो गया कुछ भी, या फिर हम क्लास में बैठे हैं तो पढ़ा है लेकिन फिर भूल गए, फिर हमें बाद में याद नहीं आता है सर ने उस टाइम पर क्या कहा था। लेकिन अभी जो आपकी ऑनलाइन क्लास है इसका बेनिफिट ये होगा कि ये यूट्यूब पे रहेगा और जब मर्जी तब आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। इसलिए भी मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। आप अगर फर्स्ट टाइम नहीं देख पा रहे तो दोबारा फिर देखें, दोबारा देखें, देखने के बाद ऐसे नोट्स बनाएं और एग्जाम के टाइम में भी आपको काम करेंगे, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर बिलोंग्स टू न्यूक्लियस एंड देन दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? एंडो न्यूक्लियसिस और एक्सो न्यूक्लियसिस। एंडो न्यूक्लियसिस और एक्सो न्यूक्लियसिस क्या होते हैं? अब बात आती है एंडो की, तो वो अंदर की तरफ होता है, एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ। ये न्यूक्लियसिस आपको समझ में आ गया होगा, जो न्यूक्लिक एसिड को कट करे, ऑब्वियस सी बात है। आपने एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने एज सुना होगा, जहां पर एज लग गया तो वो एंजाइम होता है। एंडो न्यूक्लियस क्या होगा, ये आपके डीएनए के स्ट्रैंड को अंदर रीड करेगा और उसका अंदर से इनर पार्ट से उसके सीक्वेंस को कट करेगा। और एक्सो न्यूक्लियस का क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका डीएनए का स्ट्रैंड है इस तरह का, और यहां पर है आपकी एडी, यहां पर है आपका जीसी, तो ये बाहर का जो है ना उस वाले न्यूक्लियोटाइड्स को कट करके बाहर निकालेगा एक्सो न्यूक्लियस। और एंडो न्यूक्लियस क्या करेगा, जैसे अंदर से किसी पार्ट को यहाँ से कट कर देगा। एंडो न्यूक्लियस क्या करेगा, अंदर से कट करेगा, एक्सो न्यूक्लियस बाहर से कट करेगा। बहुत अच्छी चीज बताई है मैंने, आप लोग इसे देखें, आप मेरी गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा। एंडो न्यूक्लियस कट कट्स द डीएनए इनसाइड एक्सो न्यूक्लियस कट्स द डीएनए आउटसाइड इनसाइड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स outside of nucleotides। अब देखो आपके नोट्स की टेंशन खत्म हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। एंडो न्यूक्लियस समझ में आ गया, एक्सो न्यूक्लियस समझ में आ गया। ये अब इनका ये रेस्ट्रिक्शन है, नहीं नाम क्यों पढ़ा था, इसकी पुरानी कहानी है। बैक्टीरियोफेज का ही मैं पहले भी वीडियो स्टार्टिंग में बता भी चुका हूँ कि बैक्टीरियोफेज थे तो उनकी ग्रोथ को ई कोलाई में रोकने के लिए, ई कोलाई क्या है आपका बैक्टीरिया है, ई का मतलब क्या होता है एस्चेरिशिया, एस्चेरिशिया होता है और कोलाई ये बैक्टीरिया है। आप इसका वर्ड सुन चुके होंगे पहले भी, ई कोलाई क्या होता है।
तो जो इनका बैक्टीरियोफेज है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए दो मेथड यूज करते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इनहिबिट और रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई बाय यूजिंग टू एंजाइम्स, ठीक है, फर्स्ट इज गो थ्रू द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाय एडिशन ऑफ मेथाइल ग्रुप एंड सेकेंड एंजाइम ग्रुप कट एट दैट लोकेशन। अच्छा आपको ये पता है कि इतना स्पेसिफिक मैनर में कैसे काम कर सकते हैं, ये इसी तरह से काम कर सकते हैं, नहीं तो आप ही सोचो कि इतना आपका लंबा डीएनए होता है जिसको कि अगर आप उसे क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, तो वो लगभग 1.2 मीटर लगभग अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है, तो आप सोचें कि जब अंदर वो इतने उतने स्ट्रैंड में पड़ा रहता है तो उसको कैसे ये लोग इतना एक्यूरेटली कैसे कट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको बताऊंगा कि इनका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का और कैसा स्पेसिफिक है, जैसे कि ये समझ में आ गया होता है कि दो वे यूज़ करते हैं, एक में वो पहले तो वो जाके मार्किंग करेंगे, मार्किंग कैसे करेंगे, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, दूसरा क्या करता है उसे कट कर देता है, ठीक है। अभी मैं इसमें आगे क्या बता रहा हूँ कि ये कैसे कट करते हैं, तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑलवेज यूज अ स्पेसिफिक और यूनिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर देयर एक्शन, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 6 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है जिसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल देते हैं, तो जो आपको पता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आप उसे डिहाइब्रिडाइज करके करते हो, आप उसको अलग सेपरेट करके करते हो, जब आप उसे सेपरेट कर देते हो तब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस तरह से पड़ा रहता है तब की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करता है कि मैं इसे थोड़ा सा बड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ये आपका डीएनए है, तो वो उसकी जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो दोनों ही स्ट्रैंड में, जैसे आपको ये भी पता होगा कि इनकी बाइपोलैरिटी होती है, एंटी पैरेलल होते हैं ये 5'2" 3' और 5'2" 3', ठीक है, तो जो इनकी बाइपोलैरिटी होती है एंटी पैरेलल होते हैं, तो इनमें क्या होता है सीक्वेंस का पैटर्न अलग होता है, वो उसको मैं बताऊंगा। तो क्या करते हैं कि पूरे डीएनए के थ्रू घूमते हैं और वहाँ पर जहाँ पर इनके सीक्वेंस ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलते हैं ये वहीं पर जाकर अटैच होते हैं और वहीं पर इनका मोड ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलता है, क्लियर हो गया। तो मैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बारे में बता देता हूँ, रिकॉग्निशन सीक्वेंस दीज आर स्पेसिफिक sequences where the restriction enzymes go, these are specific sequences where the restriction enzymes go through for their mode of action, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसे होते हैं।
अब इनका हम अगर ये देखेंगे इसके साथ में एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी आता है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस ही बहुत ही हाईली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, वहां पर जाकर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझिए आप क्या होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का ऐसा होता है कि जैसे आपको पता होगा कि डीएनए में आपका ATGCU मिलता है, एम आई राइट और रॉन्ग बच्चों? यू नहीं मिलता है, आपको पता चल गया होगा कि यू किसे मिलता है, आपको आरएनए मिलता है, यानी कि एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन ही खाली आपको मिलेगा डीएनए में, आपको यूरेसिल नहीं देखने को मिलेगा। तो जो एडेनिन थायमिन ग्वानिन और साइटोसिन के जो सीक्वेंस होते हैं वो आपको ये भी बताए कि इनकी बॉन्डिंग किस तरह से होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल बताता हूँ, जैसे कि आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड है, दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड आपका इस तरह से है। एक आपको बताया था कि 5'3' होते हैं, एक एंड 5 होगा दूसरा प्राइम, दूसरा एंड 3' होगा, फिर एंटीपैरल होते हैं तभी अटैच होते हैं ये, इतना तो आप बेसिक जानते ही हैं, 3' और ये 5' होते हैं। तो जैसे सपोज दैट यहाँ पर हम लिख रहे हैं ATGC, तो इसका जो पैलिंड्रोमिक होगा यानी इसकी जो बॉन्डिंग होगी, मैं आपको बता दूं, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता तभी मैं बता पाऊँ, तो एडेनिन का जस्ट अपोजिट क्या होगा, थायमिन से ये बॉन्डिंग करेगी। थायमिन का फिर किससे होगा, एडेनिन, ग्वानिन का किससे होगा, साइटोसिन, और साइटोसिन का किससे होगा, ग्वानिन के साथ। ये इनके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोले जाते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का क्या होता है कि उसका जो पार्टनर है जिसके साथ वो डीएनए या न्यूक्लिक एसिड में बॉन्डिंग करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट वाला दूसरे स्ट्रैंड में आपको देखने को मिलेगा। आरएनए में भी यही केस होता है, लेकिन वहां पर एडेनिन के साथ कौन करता है, यूरेसिल बॉन्डिंग करता है। यहाँ डीएनए में कौन करता है, एडेनिन के साथ में थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन दोनों में कॉमन है, उनमें कोई डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिलते। तो ठीक है, ये आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गए। आपको ये भी पता होगा इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, एडेनिन और थायमिन के बीच में दो होते हैं, थायमिन एडेनिन बात एक ही है, इनके में दो, ग्वानिन साइटोसिन में आपको पता है कि थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर भी कितने होंगे, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। तो ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं वहाँ पर काम करते हैं, क्लियर होते हैं यहाँ पर, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, दीज आर अ सीक्वेंस दैट इज अफर्स इन न्यूक्लिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद देयर पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई आपको, दीज आर सीक्वेंस दैट इज अकर्स इन न्यूक्लिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद देयर पार्टनर्स। समझ में आ गया, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो इनको आप फिर से एक बार इसे ड्रॉ कर लें, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे ATGC, फिर बच्चों देखो TACZ, आप इसके ये ध्यान रखना कि इनका जो पैटर्न है वो चेंज ना हो, 3' और ये 5', ये इसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। यहाँ पर आप इसे इस तरह से आप इसे कर लेंगे, तो रिकॉग्निशन ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बेस पर ही वो रिकॉग्नाइज करते हैं। अब हम आगे थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करता है और क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें मिला था, कौन सा मिला था, इंड सेकेंड मिला था। जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आपको बताइए कि एंडोन्यूक्लियस हम क्यों बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस इसलिए बोलते हैं ताकि वो अंदर से उसके सीक्वेंस के न्यूक्लियोटाइड्स को कट करेगा। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज हिंड सेकंड। अब दूसरा आता है कि एक जो मोस्ट कॉमन है बहुत ज्यादा, वैसे तो ये रेस्ट्रिक्शन है एंजाइम्स जो है इनके नंबर्स मोर देन 900 हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं,
और बैक्टीरिया के कम से कम 230 से ज़्यादा स्ट्रेंस से ये निकाले गए, आइसोलेट किए गए। अब स्ट्रेंस क्या होते हैं, स्ट्रेंस भी आप समझिए, स्ट्रेन वो होते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी भी बैक्टीरिया के जो उसकी कोटिंग है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरह से वो मेडअप है, किस तरह से बना हुआ है, उसकी मान लीजिए पॉलीसेक्राइड लेयर कम है, नहीं है, उसकी जो सरफेस है स्मूथ है या रफ है, क्लियर हो गया, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसमें किस तरह का स्ट्रेन है, जैसे कि आपने अभी पढ़ाएंगे हम लोग, उसमें आएगा 6 चैप्टर में ही आएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी हैं। तो ये मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपके आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं, लेकिन मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ ईको आर्बन वाला बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में गिवन है कि वो किस तरह से कट करता है, क्या करता है। तो आप ये देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ईको आर्बन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम स्टीरिसिया कोलाई, ये सी छोटा होगा, ठीक है, जैसे हम ई कोलाई बोलते हैं, स्टीरिसिया कोलाई, ठीक है। प्रशिक्षण एंजाइम ईको आर्बन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ई स्टीरिसिया कोलाई। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि नेमिंग जिस तरह से बताऊंगा आप उस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ईको आर्बन ये मैंने बड़े में क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ईको आर्बन, जो इसका पहला लेटर होता है वो किससे लिया गया होता है, वो उस ऑर्गेनिज्म के जीनस से लिया गया होता है, जैसे स्टीरिसिया है, इसका ई है ना, तो यहां से ई उठाया गया है, ई जो लास्ट के दो लेटर होते हैं लास्ट के, वो शॉर्ट में लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, उसके स्पीसीज को जनरेट करते हैं, इसको स्पीसीज को ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज को, यानी कि उस बैक्टीरिया के स्पीसीज को डिफाइन करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं। आर जो होता है उसका स्ट्रेन, मैंने भी बताया स्ट्रेन क्या होते हैं, स्ट्रेन उसका हो सकता है पॉलीसेक्राइड जो लेयर है उसकी, वो स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है, किस तरह से, जैसे डिप्लोम फोकस न्यूमोनिया जो होता है, न्यूमोनिया का जो बैक्टीरिया है उसमें दो स्ट्रेन आप देखेंगे कि चैप्टर 6 में भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जब वो रेट में इंजेक्ट किया जाता था कि कोई कोई बैक्टीरिया मर जाता था, रफ सरफेस वाला या स्मूथ सरफेस वाला, वो मैं अभी बना के रख रहा हूँ सीक्रेट, ताकि जब आप 6 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रेन समझ में आया कि उनकी जो वेराइटी होती है वो किस तरह के उससे निकाले गए। ई कोलाई तो बहुत है, उनकी स्ट्रेन भी तो अलग होंगे ना, एक ही नहीं होते, उनकी वेराइटी अलग होती है, तो ये स्ट्रेन को डेजिग्नेट करता है। और ये जो रोमन डिजिट है ये उस स्पेसिफिक नाम के बैक्टीरिया से किस नंबर पर आइसोलेट किया गया है ये उसको डिफाइन करता है। जैसे आप एक सेकंड देख रहे हैं तो एच क्या है, ये जीनस का होगा उस बैक्टीरिया के, आई एन क्या होगा, आई एन क्या होगा बताओ आप, आईएन होगा ये स्पीसीज का होगा, डी उसका क्या होगा, स्ट्रेन होगा, और ये क्या है, ये उसका नंबर ऑफ आइसोलेशन है उस बैक्टीरिया से, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम दैट बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पूरा जो कि ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर बच्चे देखते नहीं हैं, फिर बाद में मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी मेहनत ख़राब जा रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट हो। और हाँ बच्चों, प्लीज़ मैं आप लोगों से फिर बोलूँगा, आप लोगों का बिल्कुल एक पैसा नहीं लगता है बेटा, थोड़ा सा अगर आप किसी को सपोर्ट करेंगे तो बुरा नहीं है, आप सब्सक्राइब करें वीडियो, मुझे पता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आप देखिए पसीने टपक रहे हैं, पे गर्मी में बनाना पड़ता है, तो आप लाइक कर सकते हो, नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे किस बच्चे ने देखी वीडियो। मैं इसीलिए 10th क्लास की वीडियो में भी बोला था मैंने, और 12th में बोल रहा हूँ। थैंक यू।